आपके सामने यह करण नहीं, कुणाल कपूर खड़ा है। क्या मैं ये जान सकता हूं कि जो मुझसे ये सवाल कर रही है वो मिसेस अग्रवाल है या मिसेस करण कपूर? तुमसे मिलने यहां राधा? राधा अग्रवाल आई। मैं सिर्फ एक राधा को जानता हूं और वो आप नहीं है। मुझे लगता था इस दुनिया में हर रिश्ता झूठा हो सकता है, लेकिन प्यार का रिश्ता कभी झूठा नहीं होता। मुझे लगता था ईश्वर को साक्षी मानकर, मंगलसूत्र पहनाकर, सिंदूर लगाकर, पवित्र अग्नि के साथ घेरे लेकर, सात वचनों के साथ जिस रिश्ते की नींव रखी जाती है वो रिश्ता सात जन्मों तक नहीं टूटता। लेकिन मैं गलत था। मैं गलत था ना मिसेस अग्रवाल? अब मुझे पता चला है कि इस दुनिया में कोई रिश्ता सच्चा नहीं होता। मेरी नजरों में किसी रिश्ते की कोई अहमियत नहीं बची है। और प्यार, प्यार सिर्फ एक धोखा है जो मुझे हुआ है। और मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं, बस अफसोस है, वो भी इस बात का कि मैं बच क्यों गया। शायद तकदीर को मेरी मौत मंजूर है, इसलिए भगवान ने हर पल हर कदम पर मेरे लिए एक मौत लिख रखी। लेकिन करण, तुम इस नाम के साथ आपका कोई नाता नहीं है। इस नाम के कत्ल के लहू के साथ आपने अपने हाथों में मेहंदी रचाई थी मिसेस अग्रवाल। ये क्या कह रहे हो तुम? वही जो आप सुन रही हैं। नाटक अच्छा कर लेती हैं आप मिसेस अग्रवाल। वाह वाह, आपने अपने चेहरे पर ये जो सच्चाई का मुखौटा ओढ़ रखा है ना, इसके पीछे के झूठ को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूं। करण, ये कैसी बातें कर रहे हो? सच्चाई कड़वी होती है मिसेस अग्रवाल, बहुत कड़वी। मैंने तो सुना था कि अपनों की मौत के बाद लोग उनकी पहली बरसी तक किसी खुशी में शामिल नहीं हुए, लेकिन मेरे अपनों ने मेरी मौत का षड्यंत्र रचा था खुशी मनाने के लिए। इसलिए मेरे प्यार की मौत और मेरी पहली बरसी एक ही साथ हो गई। नहीं करण, ये सब गलत है। तुम्हें गलत फहमी हुई है। कोई गलत फहमी नहीं हो रही, कोई गलत फहमी नहीं हो रही। तुमने ऐसा क्यों किया राधा, क्यों किया? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? अपने पापा के साथ मिलकर मेरी जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ क्यों किया? क्या मैं ही मिला था अपनी मौत का तमाशा देखने वाला? मैंने राधा भाभी से अपने दिल की हर बात शेयर की है, यहाँ तक कि अपने प्यार के बारे में भी सबसे पहले मैंने राधा भाभी को ही बताया था। पर राधा भाभी मुझे बताए बिना कुणाल से मिलने क्यों गई? क्या जानना चाहती हैं वो कुणाल से? ऐसी क्या बात है जिसे राधा भाभी मुझे भी नहीं बताना चाहती? हो सकता है जो भी मैं सोच रही हूँ वो महज मेरा वहम हो, पर फिर भी कोई ना कोई बात तो जरूर है जो मैं समझ नहीं पा रही हूं। ऑटो चलिए। मौत तो अब मेरा साया बन चुकी है मिसेस अग्रवाल। अब मुझे मौत से डर नहीं लगता। इनफैक्ट मौत के इस खेल में अब मुझे मजा आने लगा है। अब मुझे जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए। जीने की ना तो कोई उम्मीद बाकी है, ना प्यार का कोई वादा, ना कोई रिश्ता। अब मेरे जीने का बस एक ही मकसद है और वो है बदला। उन लोगों से बदला जिन्होंने मुझे धोखा दिया और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। धोखा? कैसा धोखा? वही धोखा जो मुझे मेरे अपनों ने दिया। लेकिन अब बारी मेरी, अब मैं उन्हें उस दर्द का एहसास कराऊंगा जो उन्होंने मुझे दिया। मैं जानता हूं मिसेज अग्रवाल आप यहां क्यों आई,
आप मेरे और तारा के बीच के संबंध जानना चाहती हैं तो सुनिए, मेरे और तारा के बीच प्यार का कोई भी संबंध नहीं है। मुझे मेरी बाकी की जिंदगी जीने के लिए एक झूठ की जरूरत है और उस झूठ का नाम है तारा। तारा? क्या हुआ मिसेज अग्रवाल, क्या अब सच सुनने की भी हिम्मत बाकी नहीं है आपको? मेरे मौत का गम तो बहुत आसानी से भुला दिया था आपने। खैर, आप मेरे और तारा के बारे में जानना चाहती हैं तो हकीकत यही है, तारा सिर्फ मेरा एक हथियार है। जिसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं मिसेज अग्रवाल जिनके लिए ठेस किसी और को दी जाती है और वो महसूस कोई और करता है। मैं ठीक कह रहा हूं? मैं तारा को बस यही एहसास कराना चाहता हूं कि किसी की मौत पर अपने प्यार का महल कैसे खड़ा किया जाता है। मैं तारा को बर्बाद कर दूंगा और हैरान मत होइए, ये सब मैंने आप ही से सीखा। करण, तुम इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हो? तुम तो ऐसे नहीं थे। दूसरों पर उंगली उठाने का हक आप खो चुकी हैं मिसेज अग्रवाल, और मुझसे सवाल करने का आपको कोई अधिकार नहीं। अगर सवाल करना है तो जाकर अपने पापा से कीजिए या उनसे कीजिए जिनके साथ मिलकर आपने किसी की जान लेने की कोशिश की। जाइए। देवराज, करण, वाह, तुम्हारी आंखों ने तुम्हें धोखा नहीं दिया लेकिन तुम्हें तुम्हारी जिंदगी ने धोखा दिया और मुझे मेरी मौत ने। देवराज, पिछले एक महीने में तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है उसकी वजह मैं। देखो क्या पलटी है बाजी, आज तुम्हारा नसीब भी तुम्हारा नहीं और वो देवराज दीवान आज इस करण की मुट्ठी में। करते हो ना तुम देवराज? देखो अपने आप को, क्या हैसियत है तुम्हारी? तुम और तुम्हारे जैसे 50 देवराजों को मैं आज यहां खड़े खड़े खरीद सकता हूं। हेलो, क्या लगता है अब उसकी जिंदगी का खात्मा करना ही होगा? ठीक है तो मेरे फोन का इंतजार करो, मैं बताता हूं कि उसे कैसे खत्म करना है। ओके।
आप किसकी जिंदगी खत्म करना चाहते हैं? तुम कहना क्या चाहती हो? और ये हर वक्त तुम मेरे सर पे क्यों मंडराती रहती हो? क्या छुप कर मेरी बातें सुनना तुम्हें अच्छा लगता है? हैं? पहले मैं कितनी बार समझा चुका तुम्हें। देखिए, आपकी एक भूल का खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। हमारी राधा अब तक संभल नहीं पाई है। और ये जो मौत का खेल आपने शुरू किया है ना, कहीं हमारी जिंदगी का नासूर ना बन जाए। बड़ी मुश्किल से तो हमारी राधा का घर अब संभलने लगा है। क्यों आप अपने चांद को ग्रहण लगाने पर तुले हुए हैं? मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि कोई बाप अपने अपनी बेटी के सुहाग का दुश्मन हो सकता है। हैवानियत की हद पार कर चुके हैं आप। और देखिए, अब अगर मेरी राधा की जिंदगी में कोई तूफान आया ना, तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। इस बार एक माँ अपनी बेटी का साथ देगी, अपने सुहाग का नहीं। समझे आप? जो तुम्हारे दिल में आया कहते गए, सब कुछ कह दिया तुम। अब मुझे कुछ कहने का मौका दोगे या नहीं? करण, मेरी शादी जिन हालात में हुई, ना तो मैं तुम्हें समझा पाऊंगी, और मेरे लिए तुम्हारी नफरत देख के मुझे नहीं लगता कि तुम भी समझ पाओगे। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूं। करण, जिस हालात में वो सब कुछ हुआ कि मैं खुद सच्चाई को समझ नहीं पाई, पापा ने नाटक अच्छा कर लेती हैं आप मिसेस अग्रवाल। करण, मैं नाटक नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ। मेरी शादी। और हाँ, बातों बातों में एक बात कहना तो मैं भूल ही गई, आपकी दूसरी शादी आपको मुबारक। मुझे तो बर्बाद कर चुकी है आप। अपने नए पति के बारे में क्या सोचा? उसे कैसे बर्बाद करने वाली? करण, मुझे कुछ बोलने का मौका दोगे या नहीं? आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। बोलने से गुनाह का बोझ कम नहीं हो जाता। आपने जो मेरे साथ किया वो किसी ने नहीं देखा, लेकिन मैं जो आपके साथ करूंगा वो सारी दुनिया देखेगी। आपने मेरे प्यार का अंत करके मुझे जीते जी मौत का एहसास कराया है। अब जब तक मैं अपना बदला नहीं लूंगा, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। घबराइए मत, मैं आपको बदनाम नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा कमजोर लोग करते हैं, बहुत आसान होता है। मैं आपके जीते जी आपका वजूद खत्म कर दूंगा। आप जिंदा तो रहेंगी, लेकिन हर पल उस मौत का एहसास करेंगी जिस एहसास में मैं जी रहा हूं। करण के प्यार का मजाक उड़ाया था ना आपने, अब करण की नफरत आपको एक जीता जाता मजाक बना के रख देगी। आपका ऐसा हश्र करूंगा मैं कि कोई भी प्यार करने वाला दूसरे से धोखा के बारे में सोचेगा भी नहीं। ये मेरा वादा है आपसे। मैं नहीं जानती तुम कौन से धोखे की बात कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ। तारा की जिंदगी के साथ खिलवाड़ तुम नहीं करो। तकदीर ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम तारा की जिंदगी बर्बाद करो। तारा की इसमें कोई गलती नहीं है। तो ठीक, आप तारा को बचाने की कोशिश कीजिए, लेकिन मैं अपना बदला लेके मैडम, मेरे पास 500 का चेंज नहीं है। भैया, आप चेक कीजिए, आपके पास चेंज होगी। चेक किया हूँ मैडम, मेरे पास नहीं है। अब क्या करूं? भैया, आप एक काम कीजिए, आसपास कहीं से चेंज मिल जाएगी, ले आइए प्लीज। क्या सुबह सुबह आप लोग इतना ऐसा करते हैं? प्लीज जाइए जाइए, मुझे देर हो रही है। Oh,
रहा है मुझे कि जिस इंसान के साथ मैंने एक दिन रिश्ता जोड़ा था, आज वही इंसान रिश्तों को समझने से इनकार कर रहा है। करण, तुमने तो मुझे कभी समझा ही नहीं। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे कि तुमने आज मुझ में और मेरे पापा में कोई फर्क नहीं किया। शायद इंसान का नाम बदलने से उसकी फितरत भी बदल जाती है, और शायद अच्छा ही हो कि अब मुझ में तुम्हारे बारे में कोई भ्रम नहीं बचा। सारे भ्रम टूट चुके। लेकिन एक बात मैं तुम्हें समझाना चाहती हूं, मेरे लिए प्यार का वो मतलब नहीं जो तुमने समझा है। तारा मेरे परिवार का हिस्सा है और मैं उसकी जिंदगी पर कोई आंच नहीं आने दूंगी, और मेरे जीते जी तो तारा की जिंदगी से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। ये बात समझ ली मिस्टर कुणाल कपूर? तुम्हारा ये चैलेंज मुझे मंजूर। नफरत की इस लड़ाई में मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, और खास करके तुम्हारी तो बिल्कुल नहीं। जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, अब मेरा मकसद उसे बर्बाद करना है। जिसकी वजह से मैंने रातें जाग जाग कर काटी है, अब मैं उसे चैन की नींद नहीं सोने दूंगा। समझी? तुम जा सकती हो, दरवाजा तुम्हारे पीछे। मैं जानती, मुझे रास्ता याद है, लेकिन तुम रास्ते भूल चुके, क्योंकि तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो।